भाई राम राम दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? तो फाइनली भाई 27 तारीख को इतना 10 नहीं 4 बजे निकला था मैं घर से, और 31 29 तारीख को पहुंचा था घर पे 5 बजे, यानी कि पूरा 48 से 50 घंटे की सफ़र थी। रात सोया हूँ, मस्त नींद आई थी। तो अभी 7:30 हो रहे हैं, मौसम यहाँ पे साफ है, क्लीन है। अभी देखते हैं धूप धाप निकलता है कि नहीं। यहाँ की तो गलियों देख के हैरान हुआ यार मैं। हालांकि बचपन इधर ही बीता है, बुआ का घर है यहाँ पे, तो अक्सर आना जाना लगा रहता था। तो चलो भाई ब्रश ब्रश करते हैं देसी तरीके से। तो ये है भैया गाँव, गाँव का माहौल। इधर सब चल रहा है सेंकाई, हाथ उत पैर सेक रहे हैं सब लोग। इधर देखो दुबई वाला फीलिंग आ रहा है, यहाँ से वहाँ तक सब खाली है, कोई नहीं है सला। ऐसा सही है ना, पूरा ठंडा, पूरा ठंडा आराम से निकल दो, तो चूल्हा भी बैठ जाओ आराम से, हाथ पैर से की तरह खाना बनाओ इतना। हमने के तो आगो देख ला कि नसीब ना होगा। बोल फिर दे दूंगा तेरे को फोन। बोल मोबाइल दा, पापा मोबाइल दा, दे दे तू। बोल बोले तू काहे के दा देखला? बोल चतुर ना है, बोलता हुआ ना है, कौन बोले? बिक्री करो तो किसी आर्टिस्ट का करो। दोस्तों थोड़ा सा ये है ना, ठंड कम रहती है ना, ऐसे कम ही है, पानी पत के मुकाबले तो कम है, लेकिन है ठंड। हाँ फट तो रहा है, पर कोई नहीं, चल के ब्रश ब्रश का इंतजाम करते हैं देसी, फिर मुँह हाथ धोते हैं, फिर खाने पीने का इंतजाम करेंगे, क्योंकि बिहार है भाई, दूर दूर तो कुछ मिलता तो है नहीं, है ना? देख लो दूर दूर तक नजर मार लो भाई, खाली पड़ा। तो इसको बोलते हैं देसी मोड ब्रश। बिहार में आने के बाद देसी मोड ऑन हो गया है, अभी तो हूँ यहाँ पे 3 4 दिन, तो इसी से काम चलेगा। दातुन यहाँ ना तो दुकान है ना कुछ है, अब दुकान पे ब्रश वगैरह मिलता नहीं है पूरे गांव में कहीं पे भी, और शहर शहर के साइड यहाँ से कम 3 किलोमीटर दूर पे मार्केट पड़ती है, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर होगा कम से कम। तो सवेरे सवेरे कौन जाए यार बाइक में धक्के खाते खाते इतना दूर। तो ये भी चल रहा प्रोटीन, थोड़ा सा खाऊंगा ड्राई फ्रूट, फिर खाऊंगा राइस केक, थोड़ा सा डाइट हो जाएगा। दूर दे हो तो तनी आज दोस्तों अमरुद लगिए का हलवा अरे क्या मैं अमरुदिया बड़ा मार बोला था ना रात को कि दिन में तोड़ेंगे। हाँ तो मस्त आएगा भाई, कैमरा है वो। वैसे मेरे फोन में भी तो बढ़िया आ रहा है। माइक रहता ना कैमरा के लिए, ले आएंगे माइक भी, दिल्ली चलेंगे तो ले लेंगे एक। इस पे अमरुद है तो बड़ा यार मीठा होगा। बोलिए कुछ रात को मैंने बोला था ना अमरुद खाएंगे देसी। अरे कच्चा मत तोड़ियो। आलू एक घंटे बोलता है क्या है तो हमने बहुत ये है पकड़ ले हो गया की बनाई को एकर बगल में ना है। अरे सब तो ये है जगह पर है तो वही पके अमरुद अच्छा लगो करता है मीठा है ये। हां खूब बढ़िया लगो है काका ना वो हिया हो बड़ा अमरुद। अरे ये बढ़िया ना यार। अरे कितना पीला अमरुद है ऊपर, डोलाओ ना कस को उसको डंगिया पर। मीठा ना लग रहा है। गमाल वाले जो लग लग चोट खास के ₹50 में 2.5 किलो। मजा आ गया ना, ये ताजा पेड़ का बिल्कुल। तो बिहार में सिक्कों का बहुत ज्यादा वैल्यू है। चलो चल के अपना काम करते हैं। अच्छा अगला चुनाव क्या चीज चीन क्या आएगा भाई, प्रमोट कर देते हैं अभी से।
है ना। तो दोस्तों देख लो बस भाई, ठंड थोड़ी ज्यादा है, हेलमेट यार इतना भारी रह गया, ऐसा सर घुमा रहा था लट लटक गई, इतना वजन है इसके अंदर हेलमेट के अंदर। और बुलेट चलाने के यार बाइक पे ऐसे बैठा हूँ ऐसा लग रहा है जैसे बच्चा ले लिया हूँ बाइक का, पर है तो पल्सर 125 सीसी का है, पर बुलेट 350 यानी दो गुना ज़्यादा। तो ये है भाई बिहार का रोड, हर तरफ खाली है, ठंड हो रही है यहाँ पे भी बढ़िया वाला, हर तरफ पूरा रोड खाली मिलता ज़्यादातर तो अधिकतर। तो चल रही है भाई इतना, ये 33-40-50 बस, इसका स्पीड तो चला ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ठंड, इतना हाथ देखो लाल हो गए पूरे, बस याद आ रहा है तो एक ही चीज़ याद आ रहा है जिससे ये हाथ पीला हो गया है, और सबको पता होगा कि हाथ पीला क्यों है, सबको तो नहीं, जिस जिसको पता होगा उसको मालूम होगा। चलो फटाफट काम करवाते हैं अपना, और अब मार्केट दिखाता हूँ थोड़ी देर में हमारे एरिए का। तो भाई यहीं पर आधार कार्ड का इसका काम करवाना है, नंबर ऐड करवाना बस फ़ोन में, तो बस हो जाए काम फटाफट, आधार कार्ड में नंबर लिख करवानी है, छोरे का काम हो जाए निकल पड़ेंगे। देखो इसको बोलते हैं चाहने वाला, देखो इतना एक्साइटेड हो गया अचानक से, इसको मिल गया, इसको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं हूँ, फिर बाइसेप्स खोल के दिखाया, फोटो खिंचवाया, मिलकर बहुत अच्छा लगा। मतलब हम इधर आए थे पहली बार देखे इनको, मुझे पता ही नहीं था कि भैया बिहार आ रहे हैं, देखे एक पर एक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। भैया बहुत मेहनत करते हैं आप लोग, बहुत सपोर्ट कीजिए बेचारों को, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, लोग परेशान किए जिम में इसको, इन लोग को बहुत मारे पीटे, फिर भी कोई बात नहीं, इतना सबको पता, देखो ऐसी मेहनत कीजिए और एक मिनट जल्द ही कम्प्लीट कीजिए। माई ऑल विशेस विथ यू भैया जी। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू। मान लो भाई छोरा खुश तो लग रहा, कल इसका ना मुंह लाल हो गया था पकौड़े की तरह, वो वहाँ पे कोर्ट में ना काम, वो कोर्ट में था, पासपोर्ट ऑफिस में इसका काम नहीं बना था। अभी देखो आधार कार्ड पे नंबर भी अपडेट करवा दिए हैं, पासपोर्ट के लिए क्या बोलते हैं उसके, अपॉइंटमेंट भी डन करवा दिए हैं 2 तारीख का, अगर 2 तारीख को अपना काम बनता है तो 3 तारीख को दिल्ली के लिए रवाना हो जाना है, 4 तारीख को दिल्ली है ना। तो पटना में मिलने वाला हूँ मैं सभी से, एक बार ही पटना आऊँगा तो पटना तो रुकूँगा एक रात, 2 तारीख को मैं पटना में ही रहने वाला हूँ, तो जिस भाई से मिलना होगा, काफ़ी सारे मैसेज आ गए हैं तो सबको मैं बताऊँगा कि कहाँ पे आना है, तो सबसे मुलाकात हो जाएगी पर्सनली, देखो एक एक बंदे से मिल नहीं सकता, तो चलो बिहार आया हूँ तो सबसे मुलाकात कर ही लेता हूँ ना। हमारे गाँव का और इसके गाँव का मार्केट लगता है हमारे गाँव से भी 2 किलोमीटर मेरे गाँव से, और मेरे बुआ के घर से है 3-3.5 किलोमीटर दूर, यही मार्केट है बस आगे जाके। तो भाई अपने घर जा रहा हूँ, मीठा लूँ कौन सा लूँ, रसगुल्ले करवा लूँ, मिल्क केक में मज़ा नहीं आया मुझे, ये वाला 2 मिठाई करवा लेते हैं ना, ये क्या ये वाला वाइट वाला क्या रेट है आंटी, वाइट वाला ये वाइट वाला रसगुल्ला क्या रेट है, 380 180 1 केजी कर दीजिए वाला, हाँ 1 केजी कर दीजिए, 1.5 किलो ये, अरे एक तो टीलकुट का पैकेट दे दीजिएगा, कितना का है, है पैकेट वाला का है, पैकेट वाला खाली है क्या, नहीं वो गुड़ वाला ही दे दो आप, गुड़ वाला कितने का है, सेम प्राइस है, गुड़ वाला ना थोड़ा वो, तो बड़े दिन बाद घर जा रहा हूँ यार, चाचा के लड़के हैं छोटे छोटे बच्चे हैं 2, चाचा है हमारे दादाजी हैं, खा लेंगे मस्त, काफी टाइम बाद आओ ना तो यहाँ का चीज अलग, चौमिन खा लूंगा मैं, अंडे एक रोल छोड़ के तो चौमिन खा रहा है, कोई नहीं खा ले जो खाना तेरे को, तो मैं तो एक रोल बनवा रहा हूँ भाई, मेरा तो यहाँ का फेवरेट है ना, और वो उसमें भी चौमिन डालेंगे, चौमिन तो उसमें भी डालता हूँ ना भैया, एक रोल में भी खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, तो बड़ा मजा आता है भाई सब कुछ खाने में, ये चीज मेरा फेवरेट है यहाँ बिहार का, जब भी आता हूँ ना, जब पीछे बार आया था ना 7-8 दिन रहा था, 1 हफ्ता लगातार खाया था, तो तैयार हो गया मामला भाई अपना, खाते हैं चलते हैं, ठंड हो रही बहुत ज़्यादा, अंडा ही सही है, मजा बहुत आता भाई, जैसे भी ठंड हो रही है तो अंडे तो गर्म होते हैं, खाओ यार दबा के, 3 दिन के लिए तो आया ही हूँ, अब यहाँ पे भी डाइटिंग करूँगा क्या, है ना। तो दोस्तों मेरे गांव का रोड में एंट्री हो गया है, मैं अपने गांव में घुस गया हूँ, ये हमारा गांव यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, हमारे गांव में एंट्री करने के 3-4 रास्ते हैं, अरे कई रास्ते हैं, कहीं से भी एंट्री कर सकते हो, तो हमारे गाँव में अदर मतलब सबका कास्ट का ना अलग अलग सिस्टम बना हुआ, अभी यहाँ पर रहते हैं हमारे यादव जी,
ठीक है, उधर आगे चले जाएंगे फिर। हर एक मतलब हमारे गांव का नाम है ऐसा, नाम बताऊं? हंसना मत कोई, हमारे गांव का नाम है पांचों बीघा, मेरे गांव का, ठीक है। और वो सामने दिख रहा ना बगीचा अपना ही है, वो खेत वाला जो सामने जितने पेड़ लगे हुए हैं ना, वो हमारी उसमें आती है, हमारे कुंडवे का ही है। तो अब बस पहुँच गए हैं घर पर, अब चलते हैं। तो ये है भाई चलता फिरता दुकान, गाँव में ऐसे ही सेल चलता है। अरे एक तो गंदगी इतना करते हैं यार गांव वाले, लैट्रिन बाथरूम नहीं बनवा सकते, बताओ यार। सरकार ने लैट्रिन दिया, पता नहीं कौन खा गया। तो ये हो गए मेरे दादाजी, बाहर बैठे हुए आराम से, पराली भी छा के, गर्म होता ना बहुत ज़्यादा। अब सब ठीक हो बा? अरे मेरे अंकल जी ने घर बनाया था, पीछे भी मुहूर्त हुई थी तो मैं आ नहीं पाया था यहाँ पे। मेरे पापा आए थे, मम्मी भी तो आई थी ना, मेरी मम्मी भी आई थी, तो बच्चे तो गए हुए हैं स्कूल। मेरी आंटी जी खाना बना रहे हैं अभी। देखो भाई गाय गोबर यहाँ कर दिया। तो मैं भी अंकल जी के घर से आऊँ, अभी ये मेरा घर है ठीक। ये जो तार तूर टांग रखा ना, ये मेरे घर के ऊपर ही टांग रखा है। तो ताला तूला लगा होगा शायद, ताला तो नहीं लगा, ये अंदर से बंद है। तो इसमें है एक मेरा है, एक मेरे अंकल जी और हैं, मेरे पापा जी, चार भाई हैं। जैसा कि मैंने कभी बताया नहीं आपको, जो ज़रूरी नहीं है। तो इसमें है हम दो जने का, और एक अंकल जी वहाँ पे रहते हैं। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दादी का नाम लिख ले, वाह। ये मेरे नीचे राम सुंदर निवास, मेरे बाबा दादाजी का नाम है, ईश्वर सोना सोना कली देवी मेरी दादी का नाम है। हाँ वही चेक करी थी वाह। तो ये हो गया भाई घर में एंट्री, ठीक है। हाँ तो नीचे है, और ये ऊपर तक बना हुआ है एक अंकल जी का साइड में, मेरा उस साइड है, और ये भी वही अंकल जी का जहाँ से अभी मैं आ रहा हूँ जहाँ से। तो ये भी स्मॉल सा घर है, ठीक ठाक ही है बस। अभी यहाँ पे कोई रहता नहीं है, सब ताला बंद रहता है ज़्यादातर। तो इधर सीढ़ी, अभी ऊपर चल के भी दिखाता हूँ। तो ऊपर का कुछ ऐसा भाई, देखो हम रहते रहते तो नहीं है, इधर मेरे अंकल जी रहते हैं, उधर हमारा था जब हम थे। तो देखो मिट्टी माटी वाला सिस्टम तो नहीं है, नीचे भी पूरा पक्का प्लास्टर है, वो काफ़ी दिन से रह नहीं रहे यहाँ पे, तो ऐसा सिस्टम हो गया है। तो ये ऊपर का एक रूम बना रखा है, नीचे तीन रूम है, सब में ताला लगा हुआ है, सब बंद पड़ा है, नीचे नहीं जाने वाला मैं, हिसाब सफाई हुआ नहीं। इनका चाबी चुभी पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। तो यही है भाई अपना गरीब खाना, स्मॉल सा बिहार का। हालांकि इधर गाँव में सबका तकरीबन ऐसा ही है सब सिस्टम। तो यही छोटा सा गांव अपना, उधर स्कूल हो गया सरकारी स्कूल, पढ़ाई भी 8 क्लास तक यहीं तक किया था। जब मास्टर से लड़ाई हो गई थी ना, मार पिटाई कर दिया था, मास्टर का फोड़ दिया था सर, उसके बाद हमारा हो गया भाई उल्टे दिन शुरू। तो तकरीबन अपना बचपन तो भाई यहीं पर निकला है। जब मैं 14 साल का था तब शायद पानीपत गया था, 14-15 साल का था तभी पानीपत निकल गया था। तो अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं बदला, जो भी जैसा था वैसा ही है, बस थोड़ी सी गली वगैरह है ना, ये थोड़ी सी बन गई है। तो बस देखते हैं, बिहार में यार वाकई में बिल्कुल ही तरक्की नहीं है किसी चीज़ का। और अब तो पानीपत में रह रहा था, वहाँ भी लोग सड़ने लग गए, देख के जलने लग गए। इस घर में हम जब भी आ रहे जब भी लाइट भाग जा रही। तो वह स्टार्टिंग में घुसे जब भी लाइट भाग गया, अभी फिर घुसे फिर भाग गया। अभी खाना खाने बैठे हैं, खा पी के निकलते हैं, फिर जिम जाम जाना है शाम को तैयारी करके। हाँ अभिनंदन, इसका नाम बताइए क्या डिश है, कौन सा डिश है? अगर दिल्ली वाला लैंग्वेज में बोले तो ये है नमकीन चावल, हमारे वाला लैंग्वेज में इसको बोलते खिचड़ी। अरे एक मूवी भी है तो खिचड़ी देखा है, इतना सारा देसी घी पच जाएगा, देखो दस्त लग जाए। हमारा हौरने में आया है, हौराना वहाँ बस। हाँ तो अब एक छोटा सा सामान सामान लेके पहुँचते हैं घर पे। घर की फरमाइश आई थी तो थोड़ी बहुत, तो दोनों भाई साथ में ही हैं, जाके घर पे सामान पहुँचाते हैं और फिर वापस उल्टा आते हैं जिम के लिए। पता नहीं जिम खुला है या नहीं, अभी नहीं पता हमें। तो यही है भाई मार्केट, हमारे एरिया से
हाँ, मेरे घर से तो नज़दीक पड़ता है, पर मेरे बुआ के घर से थोड़ा सा दूरी पे पड़ता है, 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है। सामान तो यहाँ सारे मिल जाते हैं, पर जिस हिसाब से हमें सामान चाहिए मुश्किल मिलता है यार यहाँ पे सारी चीज़ें। अरे निकल गया, धूप निकल गया। अरे भाई चलाओ ना, हो तुम्हें बड़ा क्या रेट है भैया अनार, क्या रेट है? 40 रुपए किलो अनार है। ये तो किन्नू है ना, जो केला खवाता हूँ 50 रुपए दर्जन एक केला। यार सर सही नहीं है, दे पैसे डाल। सुनने में आया कि चक्की चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम होता है जेल में, यार बड़ा बढ़िया होता होगा उनको तो। सोच रहा हूँ 2-4 दिन यही चला लेता हूँ, जिम जाने की क्या जरूरत है। रोक के डाले पड़े ना, गुजगुजी बनने वाला है। गुजगुजी जब बन जाएगा ना, जब दिखाऊंगा आपको, पता नहीं अब कैसे बनाते हैं, डिश अलग ही होता है। एक चाल वही ना भैया, तो ये है बिहार की सवारी, और पानीपत की सवारी तो पता ही क्या है, दुख 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 दुख। सोच रहा था यार उसी को लेके आऊँ, पर दूर ज़्यादा भी है और ठंड भी ज़्यादा है, नहीं तो एक बढ़िया टूर निकल जाता, बाइक वाला राइडिंग हो जाती। कि कभी अगली बार देखेंगे, भगवान की दया रही थे मनमाना, और कुछ प्याना पड़ जाए। पर ट्रेन में जैसे आया हूँ वैसे नहीं आऊँगा, आ जाओ वर्कआउट करते चल के बढ़िया वाला, दोनों भाई चलेंगे साथ में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ठंड हो रही है, और ठंड के साथ साथ सेफ्टी सिक्योरिटी भी ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि बिहार में कोई हेलमेट लगाता नहीं, लेकिन हम ही दोनों भाई ऐसे हैं जो हेलमेट लगा के घूम रहे हैं। कोई नहीं, देख रहे हो भाई कितना लोडिंग कर दिया, जान निकल गया ऑटो के। तो तन सा बोरवा आगे आगे ना लो। बच्चे बहुत लाइट पीछे है ना, इधर इधर से फ्लैश जला दो इस फोन का। अरे अभी थोड़ा फॉर्म मैन है ना, अभी करना है वर्कआउट, वर्कआउट करूंगा तो और खींच लेना। तो भाई बस देखो ऐसा है कि जिम तो भाई हर जगह ऐसा ही होता है, बस कहीं थोड़ी सी फ्री चलती है, कहीं थोड़ा सा टाइट चलता है। तो किस किस को याद है, मैं पिछले बार जून में भी आया था और यहीं पे वर्कआउट लगाया था 5-7 दिन, अभी फिर 2-3 दिन रहूँगा तो यहीं पे करूँगा वर्कआउट। पर मिक्स लगा रहा हूँ, शर्मा मत करो कभी भी टी शर्ट उतारने में, आगे काम दे गए बहुत ज्यादा। पहले मेरा भी ऐसा ही हाल था, बहन जो उतरता ही नहीं था। तो दोस्तों देखो मिक्स वर्कआउट लगा रहा हूँ आज,
बस दो दिन और रहना है यहाँ पे, तो मगर मिक्सी चला लूँ। देखो बाइसेप तो हर कोई लगाता है, चाहे बिगनर से चाहे ओल्ड हो, तो बस मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा पंप कर लेता हूँ। हो गया है अभी, वर्कआउट फिनिश कर दिया। देखो जाने का मन तो नहीं था अभी, और वर्कआउट लगा था, बट क्या है कि यहाँ पे सब लोग सो जाते हैं तो मजबूरी है। अब घर से 10 बार फोन आ चुका है, तो चलो निकलते हैं, थोड़ा बहुत सामान लेते चलेंगे। ये देख लो दोस्तों, मतलब अभी 7:30 हुआ है, बस ओनली 7:30। दुकानें ऐसे बंद करके भागे जैसे कि पूरे दुनिया का ठंड बिहार में ही बरस गया। सिर्फ ये एक दुकान खुला यहाँ पे, वैसे हमें कुछ लेना नहीं है, मैं जानकारी के लिए बता रहा हूँ। लेना भी होता तो यहाँ मिलेगा नहीं। फिर बोला तो ऐसा है कि कल तो देखो मैं अपने फुआ के घर पे था, इसके घर पे कल खाना खाया था, यही चिकन, देख के डर लग रहा है मसाला। और आज एक फूफा जी हमारे जो सरपंच साहब हैं यहाँ के, हाँ इनको देख लो, तो आज इन्होंने पार्टी दिया, इनके तरफ से आज फिर मसाले वाला चिकन खाना पड़ रहा है। देखता हूँ, डर तो लग रहा है बस खाने से, पर खाऊंगा जरूर। बड़े दिन के बाद ये डिश खा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना डिश है। देखो हालांकि ये होटल हाटल में मेरे ख्याल से मिलता नहीं होगा, इसको बोलते हैं गुजगुजी, चावल के आटे का ये है, इसको क्या बोलते रहे, रोटी, रोटी टाइप है, इसको बोलते कुछ और है। और इसमें दूध में मूंगफली वगैरह गढ़ी किशमिश छुहारे काजू जो डालना वो डाल के ऐसे करके बनाया गया है। तो बचपन में बहुत खाया करते थे यार, जब से शहर पकड़े हैं ना तब तो ये चीज़ें तो मिलती ही नहीं, दिखती ही नहीं उधर। रसा कि जो गांव से होंगे बिहार साइड के होंगे उनको पता होगा। तो दिन तो मस्त था, चकाचक था, क्योंकि आज हमने जिम करा, वर्कआउट लगाई है, 3 दिन से 4 दिन से हो गए थे वर्कआउट करे, तो विक्स वर्कआउट दबा के लगा दिया। अब कल 1-2 दिन और लगा लूँगा, फिर उसके बाद निकलना भी है, हो सकता है मंगलवार या बुधवार को निकल जाए, क्योंकि अभी काम चल रहा है, धीरे धीरे काम हो जाए बस नहीं पट जाए। तो बस ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, कैसा लगा है लाइक कमेंट शेयर करके बताना। मुझे तो थोड़ा मज़ा आ रहा है बिहार में आकर, पर ये मज़ा कुछ ही दिन के लिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, और जो भाई नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।